हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वय इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 11th के लिए जो हिंदी मीडियम में मात्रक और बीमा चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें कुछ बीमीय सूत्र की बात करेंगे। ठीक है, बीमा क्या होता है, कैसे होता है, उसकी देख लिए थे। अब हम आज हम बीमीय सूत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो बीमीय सूत्र में सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो है वो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, L, और चौड़ाई के लिए भी क्या यूज करेंगे, L, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई के लिए भी क्या यूज करना है, L, और चौड़ाई के लिए भी क्या यूज करेंगे, L। तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब L स्क्वायर को ऐसा भी लिखा जा सकता है, m जीरो L पावर टू t पावर जीरो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आइए आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई के लिए L यूज करेंगे, चौड़ाई के लिए भी L यूज करेंगे और ऊंचाई के लिए भी L यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, LQ, m0 L पावर 3 t पावर 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास m वाले और L वाले t वाले टर्म नहीं है, तो ये हम क्या कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे। तीसरा, ये तीसरा वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और विस्थापन के लिए क्या यूज करेंगे, लेंथ लंबाई L, और समय के लिए T, तो LT माइनस वन क्या बन जाएगा, m0 LT माइनस वन। ठीक है, विस्थापन हो गया। अब बात करिए त्वरण का, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, तो वेग परिवर्तन यानी वेग, वेग के लिए क्या करेंगे, LT माइनस वन बटा समय, तो क्या देगा, LT माइनस टू। तो त्वरण के लिए यूज करेंगे LT माइनस टू, त्वरण के लिए क्या यूज करेंगे, LT माइनस टू। ठीक है, आगे तीसरा हो गया संवेग की बात करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान के लिए क्या हो यूज होगा, m, और वेग के लिए LT माइनस वन, यानी संवेग का बन जाएगा MLT माइनस वन, संवेग का क्या बन जाएगा, MLT माइनस वन। अब आया बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे, m, और त्वरण के लिए LT माइनस टू, तो बन जाएगा MLT माइनस टू। बहुत इंपॉर्टेंट है बल का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी बीमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू, बल का जो बीमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा एम एल टी माइनस टू। अगला है क्या, आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुने समय, आवेग बराबर बल गुने समय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, तो एम एल टी माइनस टू बल का यहाँ से, और समय के लिए क्या, टी, तो क्या बन जाएगा, एम एल और दो टी और एक टी माइनस में है, दो टी और एक प्लस, तो एम एल टी माइनस वन, तो आवेग का बन जाएगा एम एल टी माइनस वन। क्लियर है, तो हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, संवेग, बल और आवेग का। आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं। अगला है घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान के लिए एम और आयतन के लिए एल क्यू, तो क्या बन जाएगा, एम एल, और ये जो तीन ऊपर गया तो माइनस थ्री बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एम एल माइनस वन और एम एल माइनस थ्री और टी जीरो। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं कार्य ऊर्जा, वर्क या एनर्जी। तो वर्क बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने दूरी, है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के लिए, बल के लिए एम एल टी माइनस टू और विस्थापन के लिए एल, तो बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। बल का क्या होगा, बल सॉरी कार्य या ऊर्जा का क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू। अब है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण इंटू जी, एम जी एच होता है ना, एम जी एच, चलिए, या गतिज ऊर्जा हाफ इंटू द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर होता है, हाफ एम बी ए स्क्वायर, तो एम के द्रव्यमान के लिए एम और वेग के लिए एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एम तो ठीक है, एल का स्क्वायर करेंगे तो एल टू और टी पावर माइनस वन का स्क्वायर टी माइनस वन। यानी स्थितिज ऊर्जा की बात करो या गतिज ऊर्जा की बात करो, दोनों के लिए क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस टू। अब आइए बल वियुग्म या बल आघूर्ण या कपल या टॉर्क जिसको बोलते हैं, ये होता है बल गुने बल की भुजा, बल गुने बल की भुजा, तो बल के लिए क्या यूज करेंगे, एम एल टी माइनस टू और भुजा के लिए एल, तो क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, अगला है दाब, दाब क्या होता है, प्रेशर, जिसको बोलते हैं बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर के लिए क्या यूज करेंगे, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस टू बाई एल बाई टू एल पर पावर टू, तो क्या होगा, एल जब ऊपर जाएगा ये माइनस टू और एक पहले से है तो एल माइनस में वन में हो जाएगा टी माइनस टू हो जाएगा, तो दाब का क्या बनेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब कोण, कोण एंगल जिसको बोलते हैं, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप का भी लंबाई और त्रिज्या का भी लंबाई, तो एल जीरो हो गया, तो इसका एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी एक बीमा रहित राशि होता है।
ठीक है, कोण, कोण जो होता है एक विमा रहित राशि होता है। अब आइए कोणीय वेग, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, तो कोण बटा समय, तो कोण के तो कुछ होता ही नहीं है, समय के लिए टी, तो एल टी माइनस वन यानी एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, है ना। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो कोणीय वेग का क्या हो, कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग का हो गया टी माइनस वन और समय के लिए टी, तो टी और एक एक टी माइनस में एक और माइनस में हो जाएगा, तो टी माइनस टू हो जाएगा, और इसको अगर लिखा जाए तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू लिख सकते हैं। अगला है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का होता है द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे एम, और दूरी के लिए क्या यूज करेंगे एल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एम एल टू, है ना, एम एल टू और टी जीरो, ठीक है। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण का। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, तो जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण का क्या बना एम एल टू टी जीरो था, और कोणीय वेग के लिए टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन, ये बन गया कोणीय संवेग का। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, कंपनों या डोलनों की संख्या बटे समय, कंपनों या डोलनों की संख्या है तो इसका कोई नहीं होगा वन मान लिए, और समय का टी, तो टी माइनस वन हो गया, ठीक है। और कोणीय वेग और आवृत्ति की बात करें तो दोनों का सेम बन जाएगा, कोणीय वेग और आवृत्ति के बीमा की बात करें तो दोनों सेम बन जाएगा। अब है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी, देखिए एफ बराबर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो जी बराबर क्या हो गया एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एन टू, यानी बल गुने दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुने द्रव्यमान, तो बल के लिए एफ एल स्क्वायर, बल के लिए एफ एल, यहाँ पे द्रव्यमान के लिए एम एम, बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, बल का होता है एम एल टी माइनस टू, एल स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर बना, द्रव्यमान के लिए एम और एम, ये बन जाएगा एम पावर माइनस वन एल पावर थ्री और टी पावर माइनस थ्री, ये बन गया गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का, है ना। अब बल नियतांक, बल बटा लंबाई में वृद्धि, बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू बटा एल, एम एल टी माइनस टू बटा एल, तो क्या बन जाएगा एम एल जीरो टी पावर माइनस टू, बल नियतांक का यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, है ना, जिसको अब जितना फॉर्मूला आपको याद रहेगा उतने बनेंगे, यहाँ पे हम लोग लगभग 19 का देखे हैं, ठीक है, आपके बुक में बहुत सारा है, बस हम आपको निकालना सिखा रहे थे कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसके आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।